गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज संडे का दिन है फ्रेंड्स, तो बस आज इस बार मैं आराम आराम से काम करूँगी, क्योंकि सारा दिन संडे के दिन इतना सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कपड़े समेट ले रही हूँ, क्योंकि कल जितना भी कपड़ा मैंने धोया था सब उठा के बस रख दी थी। बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया था, बच्चों का ड्रेस और इधर डेली यूज वाला। और ये मैं गई थी ना उस दिन पार्टी में, तो फिर ये साड़ी भी था, इसको भी सुखा के मैंने रख दिया था यहाँ पे। अब समेट के सारा रखूँगी फ्रेंड्स, तो चलिए आप सभी हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं फटाफट से घर का सारा काम करके अब यहाँ पे जा रही हूँ मैं मार्केट। कुछ अर्जेंट आ गया था तो मैं जा रही हूँ मार्केट, फिर वहाँ से आके घर में, फिर दोनों बच्चे घर में ही हैं, तो उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए अयांश क्या कर रहा है, खरगोश को खिला रहा है खीरा। और इसका ना मतलब इससे बहुत अच्छा, इसके साथ खेलता है अच्छे से, मतलब इसके साथ रहता है। अब बच्चों के साथ साथ रहते रहते ना इसको भी अच्छा लगने लगा है। और देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने कपड़े सुबह अलग कर लिए थे, सारे स्कूल का ड्रेस मैंने अलग कर लिया था, और इधर डेली यूज का जो था उसको मैं जगह पे रख के चली गई थी मार्केट। फिर वहाँ से आके शाम मतलब थोड़ा हो गया था, 3 बज गया था, तो नहा हुआ के क्योंकि गर्मी था बहुत ज़्यादा, वहाँ से आके फिर से दोबारा से मैं नहाई। और उसके बाद ड्रेस में मैं कर ले रही हूँ आयरन, सारा ड्रेस में मैं आयरन करूँगी, जितना भी वाइट और ब्राउन है सारा में मैं आयरन करके आज रख लूँगी, क्योंकि कल ही मैंने कपड़े धोए थे तो सूख गया था, तो सुबह समेट के रखी थी मैं। और अब मैं आयरन कर लेती हूँ, क्योंकि आयरन किया रहता है फ्रेंड्स तो कोई टेंशन नहीं रहता है, वरना अगर एक दिन पहले आयरन नहीं होना तो फिर दूसरे दिन अगर लाइट चला जाए या फिर टाइम नहीं मिले आयरन करने का, तो बहुत बड़ा टेंशन ये बन जाता है। और स्कूल में मतलब कंप्लेन भी होने लगता है अगर आयरन वगैरह करके बच्चे कपड़े में नहीं जाते हैं, कभी कभार वैसा हो जाता है तो बोलने लगते हैं वहाँ के प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके मैं कर रही हूँ, 1-2 सेट में मैंने कर लिया है। और फिर जितना भी ड्रेस है स्कूल का सारा में मैं आयरन करूँगी धीरे धीरे करके। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब ये अयांश का वाइट पैंट है, सप्ते में 2 दिन वाइट चलता है, मंडे और फ्राइडे, और एक दिन तो टी शर्ट चलता है सैटरडे को, टी शर्ट मिल चुका है तो वो टी शर्ट पहन के जाता है सैटरडे को। और यहाँ पे आंचल का ड्रेस है, वाइट ड्रेस। और फिर देखिए ये शाम का टाइम है फ्रेंड्स, तो आज
सब्जी लाना था इनको, आज सब्जी मंडी था तो ये लाए हैं सब्जी। तो सब्जी में भिंडी और परवल लाए हैं, और कुछ मैं ज़्यादा नहीं बोली थी लाने के लिए क्योंकि फिर सूख जाता है, और खीरा लाए थे। और यहाँ पर देखिए दूध का ये क्या है, फटौनो, हम लोग इसको दूध का फटौनो बोलते हैं, जो कि दूध अपने आप फट जाता है गर्म करते वक्त, उसको हम लोग फटौनो बोलते हैं। और इसको जल्दी फेंकते नहीं हैं, थोड़ा बहुत रहता है कभी कभार फेंका जाता है, और ये तो ज़्यादा था तो इसको मैं इसका ना पानी वानी पूरा बाहर कर दी हूँ, और इसमें चीनी दे करके चूल्हे पर अच्छे से इसको पकाऊँगी, और ये जब पक जाएगा अच्छे से घुल जाएगा इसमें चीनी, तो फिर मैं बंद कर दूंगी। और ये ना रोटी के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और अब ये देखिए रात का है, खाना बन रहा है, तो आज मैं आलू का पराठा बनाऊंगी। और ये चटनी है, देखिए मैंने यहाँ पे काला सरसों, पीला सरसों और 2-3 कली बस लहसुन, और इसमें काला नमक, सादा नमक और जीरा पाउडर और दही, इतना सारा चीज़ मिक्स करके मैं बनाऊंगी चटनी। और फ्रेंड्स चटनी मैं बहुत कम बना रही हूँ क्योंकि ज़्यादा नहीं, मतलब बच्चे लोग उतना नहीं खाते हैं, थोड़ा खाते हैं लेकिन बहुत कम कम खाते हैं, तो बस मैं थोड़ा सा बना रही हूँ। और ये ना बहुत टेस्टी बना था फ्रेंड्स, इसमें मैं मिर्ची और आदि अदरक वगैरह नहीं डाल रही हूँ क्योंकि गर्मी की वजह से और ज़्यादा परेशानी होने लगता है ये सब चीज़ों से, तो बस मैं इतना ही डाल के फिर इसको मैं मिक्सी में ये कर लूँगी पीस के, फिर मैं इसको निकालती हूँ बाहर कटोरी में, उसके बाद बनाऊँगी मैं। और यहाँ पर देखिए हम पीस चुका है ये चटनी, और चटनी बहुत कम था फ्रेंड्स। और इसमें ना अब हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा पतला रहता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, तो पराठे के साथ। और इसमें हल्का पानी मैं मिला दी हूँ, और उसके बाद बनाऊँगी अब आलू पराठा। और आलू पराठा मैं सबसे पहले अयांश को दूँगी बना के, क्योंकि उसको सवेरे सोना है नहीं, तो फिर रात को अगर लेट हो जाता है ना सोने में तो फ्रेंड्स पता है सुबह नींद उसका पूरा नहीं होता है, तो फिर स्कूल में जाके उसका ना नींद मतलब लिख नहीं पाता है, सोने लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ घी में, और घी बिल्कुल हल्का डालूंगी इसमें क्योंकि अभी डॉक्टर मना किए हैं इसको ये सब चीज़ खाने से। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा अगर आप सबको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।